नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सही प्यारे दर्शकों का। अभी हम हैं सीकर से महज 30 से 40 किलोमीटर दूर पर लोसल है और बहुत बेहतरीन तरीके से एक यहां पर फौजी साहब ने बकरी फार्म शुरू किया हुआ है और उन जो नए हमारे दर्शक हैं जो बकरी पालन में आना चाहते हैं उनके लिए यह एक बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं। देश की सेवा करने के उपरांत इन्होंने एक फार्म शुरू किया है और एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ शुरू किया है। तो चलिए चलते हैं और उनसे मिलते हैं किस तरीके से अपने यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं और किस तरीके से बकरियों का पालन कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बकरियों का चयन किया हुआ है, इसी के ऊपर हम विशेष तौर पर जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए इनके बकरियों को दिखाते हैं और इनके बकरी पालन को एक्सप्लोर करते हैं। ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल किस तरीके से यहाँ पर इस बकरी पालन को सफल बनाया जा सकता है इसके ऊपर ये बिल्कुल पूरी तरीके से लगे हुए हैं। चलिए आपको इनके बकरियाँ दिखाते हैं और कुछ इनसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आप लोगों तक साझा करते हैं। तो सर, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताइए और कहाँ, क्या नाम है आपका और कहाँ पर आपने सर्विस करी, फिर बकरी पालन में आना कैसे हुआ ये थोड़ा सा बताइए। नमस्कार हरीश जी, और आपके व्यूवर्स का भी बहुत ज़्यादा नमस्कार, उनको भी स्वागत है। और बकरी पालन तो हम खेती बाड़ी के साथ में रखते थे पहले से ही। पहले जैसे हम इस प्रकार की बकरियां रखते थे, मैं एक्चुअली अभी आर्मी से रिटायर हुआ और जम्मू कश्मीर और अपनी लास्ट टाइम में कोटा से रिटायर हुआ और जबलपुर से मैं रिटायरमेंट लिया। तो हमारे पास देखो पहले देसी बकरियां थी इस प्रकार की, ये भी अच्छी बकरियां, ऐसी बात नहीं है, इनकी दूध कैपेसिटी अच्छी है और ये हमने ली तो काफ़ी छोटी अदंत बकरियाँ ये बच्चा दे देती है। उसके बावजूद देखो इसका इस प्रकार का रिजल्ट भी अच्छे बकरों से आ रहा है अभी ये। तो पहले हम इस प्रकार की ब्लड लाइन पे जो अपनी घर की देसी बकरियां थी उन पे काम करते थे, तो दो बकरियों में भी दो चार बकरियां रखते थे घर के लिए, तो उसमें भी हमको अच्छा मुनाफा मिल जाता था। अच्छा मुनाफा मतलब आपका ट्यूबवेल का बिल वगैरह इनसे निकल जाता था। अच्छा। और उसके बाद जैसे हमने सिरोही ली तो पहले हम ज़्यादा सिरोही के बारे में जानते नहीं थे, तो ये बकरी देखो मीडियम क्वालिटी की, लो क्वालिटी में बोल सकते हैं हम, तो ये भी अभी देखने में इनसे तो अच्छी है और इसका जो रिजल्ट है देखो आप इस प्रकार का, इससे अच्छे बकरे से रिजल्ट आया, तो रिजल्ट इस प्रकार का आया। और अभी हमने क्या है थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी पे काम करना स्टार्ट किया, तो उसमें हमारे पास एक दो बकरी मैं आपको दिखाऊंगा, आपके व्यूअर्स को दिखाऊंगा, वो अपन जरूर देखेंगे। पर थोड़ा सा मैं आपके दिलचस्पी के बारे में जानना चाहूँगा, क्यों इन बकरी पालन में इंटरेस्ट आया, कैसे इस तरफ रुझान कैसे हुआ? आप तो इतने सालों तक, मान लीजिए 15 साल तो आपने, 17 साल आपने सर्विस करी ही है, तो उस दौरान कैसे बकरी पालन में इंटरेस्ट जागा? आप तो कुछ और भी अच्छा काम कर सकते थे और बकरियों में ही विशेष रुचि कैसे आई? पहली बात तो रेजी मैं आपका बात बताना चाहता हूँ, कोई भी काम ख़राब नहीं होता, सारे काम अच्छे होते हैं। और इंटरेस्ट की बात ऐसी है कि जब मैं छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम से हम बकरियाँ रखते थे, तो ये इंटरेस्ट तो हमारा शुरू से ही था, शुरू से जब बचपन से ही इंटरेस्ट था, इनके साथ ही रहे। देसी बकरियाँ थी, अभी थोड़ा सा इच्छा ऐसी थी कि अच्छी बकरियाँ हमारे पास में भी हो, और जब पालन कर रहे हैं तो अच्छी नस्ल पे काम करें, तो उससे क्या कि अगर हमको आज मुनाफा नहीं है तो उसको आने वाली जो हमारे पास अच्छी ब्लड लाइन आएगी तो हमको उससे आगे चल के इस पर मुनाफा रहेगा। तो जैसे आप बता रहे थे कि घरों पर पहले भी आप देसी बकरियां रखते थे? हाँ जी, शुरू से ही जो आपके यहाँ पर लोकल बेल्ट में पाली जाती है, जिसका कोई मतलब, देसी बकरी होती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, जिस टाइप का बकरा छोड़ दिया उसी टाइप की आपके पास रिजल्ट आ गया, उसमें डॉट भी आ जाएंगे, काली भी आ जाएगी, पीली भी आ जाएगी, मतलब। लेकिन हम तो क्या दूध पे विशेषकर ध्यान रखते थे, अच्छे दूध की बकरी रखते थे। अब मैं उन नए किसान दर्शकों के लिए जो हमारे साथ जुड़ते हैं, अक्सर वीडियोस उन तक भी जाता है जो बकरी पालन में नए हैं, आना चाहते हैं और इसे एक व्यावसायिक स्तर पर भी करना चाहते हैं, सरकार भी बहुत कयास कर रही है लगातार, हर राज्य के लिए स्कीमें वगैरह आप देखते रहते हैं, आप भी सुनते होंगे, देखते रहते, लगातार सरकार भी जुड़ी रहती है, कहीं ना कहीं से प्रलोभन देके कि यार किसान बकरी पालन में आए। सर, उस चीज़ में सबसे बड़ी बात आ जाती है कि नस्ल का चुनाव, तो किस तरीके से आपने चुना, किसे आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, जो नए लोग हैं वो भी इस बात का ध्यान रखते हुए अपने यहाँ पर बकरी फार्म शुरू करें या बकरियों का चयन करें। देखो बकरी पालन जो भी कर रहे हैं युवाओं के लिए अभी भी बहुत अच्छा मौका है, शुरू से बकरी पालन, एक गरीब की गाय जिसको खा गया, और इसको गरीब का ATM भी कहा जाता है, जब मर्जी हो, जैसे मेरे को आज 2 रुपए की जरूरत है तो मैं इसको 500 रुपए डाउन करके बेचूं तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे, और
सबसे बड़ी बात है कि आजकल नौकरियां सरकार कम करती जा रही है, तो इसमें एक बकरी पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय हो सकता है और हो रखा है, जो लोग करते आ रहे हैं उनको मुनाफा हो रहा है। और इसमें युवाओं को तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उनके लिए जिसके पास खेती बाड़ी है, मैं शहर के युवाओं के लिए बात नहीं बता रहा, बल्कि जो ग्रामीण परिवेश से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। अच्छा। और अपने उसके साथ आपको अगर साइड बिजनेस के तौर पे भी करते हो तो इसमें आपको 2 रुपए का मुनाफा ठीक मिलता है। अच्छा, तो सर नस्ल चुनाव की बात कर रहे थे, अब आपने किस तरीके से अपग्रेड किया है, क्या ध्यान में रखते हुए बकरियाँ आप खरीद रहे हैं, क्योंकि ये तो आपके लिए भी शुरुआत ही है, तो बिल्कुल सब बताइए। बिल्कुल हरीश जी, मेरे लिए ये अभी नई शुरुआत ही है, इसमें सिरोही में अच्छी क्वालिटी में, बाकी देखो मेरे पास मीडियम क्वालिटी की भी है और देसी बकरियाँ भी 1-2 मैंने रखी है, तो मुनाफा देसी में भी है, मीडियम में भी है। और बात करते हैं हम जब ऐसी इस प्रकार की बकरियों के बारे में, तो इस प्रकार की बकरियाँ आप देख रहे हो बहुत ही रेयर बकरियां होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप खरीद नहीं सकते या फिर आप रख नहीं सकते। मेंटेनेंस आप किसी का भी, चाहे लोका रखोगे चाहे देसी रखोगे, खर्चा बराबरी आना है। बिल्कुल, इससे आपको एक चीज़ ऐसी है जो इस प्रकार के ब्रीडर आपको ऐसी बकरियों से ही मिलेंगे, और इस प्रकार के जो बच्चे आएंगे, जैसे इस बकरी का अभी ये 14 महीने की बकरी थी, इसने जो बच्चा दिया था अभी, ये मेरे हिसाब से 4 दांत ही है, 4 दांत बकरी अभी भी है। बिल्कुल, आप देख सकते हो, दिखा सकते हो आप, बिल्कुल अभी भी ये 4 दांत बकरी है, हालांकि कई तो 6 दांत के बाद क्रॉस कराते हैं, और इसने बच्चा देके भी 6 महीने हो गए हैं। और आपको मैं इसका बच्चा दिखाता हूँ, आजकल क्या ट्रेंडिंग में नहीं है राता कलर को लोग ब्रीडिंग में यूज़ नहीं करते, बल्कि इस प्रकार के अगर बच्चे हैं तो ब्रीडिंग में यूज़ मेरे हिसाब से करने चाहिए। मैं तो इसको अपनी बकरियों पर ब्रीडिंग लूँगा इस बच्चे से। आप इसकी गर्दन देख सकते हो, आप इसका फिजिकल स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसकी लेंथ देख सकते हो। अगर इस प्रकार के ब्रीडर की हाइट 39 भी होती है तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसकी जो बीच की लेंथ है ये बहुत ज़्यादा है। और हालांकि बताने वाले तो इतने से बच्चे को 3 महीने का भी बताते हैं, बट 3 का नहीं है, 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने से बल्कि 5-7 दिन ऊपर का है, और अभी तक ये अपनी माँ के ही दूध पे रहा है। अभी इसको एक्स्ट्रा मतलब दाना पानी स्टार्ट किया है, मतलब नॉर्मल तो खाता था पहले से भी, और अच्छे ब्लड लाइन से कैरी करके आते हैं ऐसे प्रकार के बच्चे। तो तभी तो इसका स्ट्रक्चर देखिए ना, थोड़ा सा फाइन निकल कर आया है, कानों की लेंथ आप देख सकते हो, कानों की लेंथ देख सकते हो आप, इसकी खुद की लेंथ देख सकते हो, इसकी जो गर्दन, इसका इसके पैर, और इसकी सबसे बड़ी बात, इसकी माँ को दूध काफ़ी है। तो जब भी हम ब्लड ब्रीडर का चयन करते हैं तो दूध वाली माँ का जरूर चयन करना चाहिए। तो बताने को तो पता नहीं कितने बताते हैं, बट 1.5 किलो दूध फर्स्ट टाइमर बकरी के बहुत होता है, तो 1.25 से 1.5 किलो इसके दूध एक टाइम का है। बहुत अच्छा। और एक ये जो बकरी आपके सामने जा रही है सर, इसके बारे में, ये बकरी जैसे इसको अभी ये पुरानी जिसको बोलते थे, इसमें ये पड़ते हैं गड्ढे वगैरह, और इसका जो कलर आप देख रहे हो ये बहुत ही मतलब डिमांडिंग कलर सिरोही में, इससे ऊपर कलर अभी तक है नहीं। अच्छा, ये जो मेहंदी कलर जिसको बोलते हैं, इसकी बच्ची का भी आपको मैं कलर दिखाता हूँ, इसकी एक बेटी है हमारे पास, बच्चा हमने बेच दिया, और फर्स्ट टाइमर यही है, हमारी बकरियाँ जितनी भी है सारी फर्स्ट टाइमर है, जो अपनी एक देसी बकरी है वो 5-6 बार ब्याई हुई है, बाकी जितनी भी हमारे पास बकरियाँ सब फर्स्ट टाइमर है। और ये बच्ची है इसकी, देखो ये अपनी माँ के जैसी है, बहुत अच्छा, दोनों माँ बेटी बहुत खूबसूरत, ब्यूटी ज़्यादा है, बाकी देखो हाइट स्ट्रक्चर की तो कोई भी हो जाती है। बिल्कुल बेहतरीन। तो किस तरीके से रखते हैं सर अपने यहाँ पर, ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, टोटल स्टॉल फील्ड पे ही रहते हैं कि बाहर भी आप? नहीं, हम बाहर भी चरा लेते हैं, जब हमारे पास जगह होती है या फिर खेत खुलते हैं उस टाइम पे हम बाहर भी चराते हैं, पेड़ की डाली वगैरह भी डाल देते हैं, तो और यहाँ पे हम फूस वगैरह डालते हैं इनको, जिसमें हम लौंग जो हरी पत्ती बोलते हैं उसको, अच्छा, वो यूज़ करते हैं। उसके बाद ग्वार का भी हमारे घर खेत में जो होता है वो भी हम यूज़ करते हैं, खरीदने की हम कोशिश कम ही करते हैं जी। तो सर अनाज वगैरह में क्या खिलाते हैं, थोड़ा सा मुझे ये बताइए। अनाज में हम जब बकरियां प्रेग्नेंट नहीं होती है उस टाइम पे हम बाजरे का इस्तेमाल करते हैं, और जब बकरियां प्रेग्नेंट होती है फिर हम बाजरा नहीं खिलाते उनको, और वो भी सर्दियों में बाजरा सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम जौ और मेथी बकरियों को अनाज के रूप में ज़्यादा खिलाते हैं। जैसे ये बकरी पकड़ी हुई है आपने, ये कितने महीने की होगी और क्या? ये बकरी अभी 16 महीने की हुई है, और ये 10 महीने की थी तब प्रेग्नेंट हो गई थी, और अभी ये 16 महीने की बच्ची है। तो
पहले ही समय से पहले ही लगता है क्रॉस हो गई हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो ब्रीडर था उस टाइम पे हम लेके आ गए थे, तो ये दो बकरी हमारे पास थी 10-10 महीने की क्रॉस हो गई थी। हालांकि हमारी ये बकरी भी छोटी क्रॉस हुई है, ये तो 9 महीने की क्रॉस हो गई थी, 14 महीने में फर्स्ट टाइम में इसने बच्चा दे दिया। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि बकरियां जब थोड़ी सी मैच्योर हो जाएं, है ना? हाँ, कम से कम दो दांत तो कम से कम बकरी होनी चाहिए। दो दांत, चार दांत हो तभी आप क्रॉस। चार दांत में अगर आप यूज करते हो तो बकरी अच्छी और बनेगी। अच्छा रिजल्ट निकलेगा। बट अगर कम से कम भी मेरे हिसाब से दो दांत तो होनी ही चाहिए। दो दांत होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बकरियों की क्या कीमत रहती है सर, थोड़ा सा ये भी बताइए। कीमत की बात हरीश जी ऐसी है, देखिए आप आज की डेट में अगर देसी बकरी भी लेना चाहते हो तो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा दी हुई बकरी आपको 15,000 के आसपास मिलती है, और उसमें भी अगर आप अच्छे दूध की देखते हो तो 16-17 की, ये देसी बकरियों की बात कर रहा हूँ मैं। और जिस प्रकार से आप सिरोही में अच्छी ब्लड लाइन में जाते हो तो आपको 20,000 से बकरियाँ स्टार्ट होती है। अभी आप बहुत ही मनपसंद की बकरी लाते हो तो आज की डेट में मेरे हिसाब से तो कोई कीमत नहीं है। अगर देने वाला जिसके पास अच्छी ब्लड लाइन की बकरी है और उसमें से आप पहले नंबर की अगर बकरी छांटते हो तो वो तो कीमत अलग होती है, बट 30,000 से 35,000 की सिरोही की बकरी मेरे हिसाब से अच्छी मिल जाती है आपको। अच्छी मिल जाती है, और फिर जो ना देने वाली चीज़ है उसका रेट तो उसका अलग कोई रेट नहीं होता, वो तो हर बार एक मतलब इसके लिए कोई वो भी नहीं है कि वो इतने रेट क्यों लेता है ऐसा लेता है, क्योंकि वो उसने उसके अगर हम खर्चा जोड़ते हैं तो उस पर उतना ही पड़ जाता है। क्योंकि अगर आप जो टॉप की बकरी की बात करते हो तो वो जब बच्ची होती है तब भी उसके 30-35,000 रुपये मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि भाई बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त बकरी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इस प्रकार की बकरी है तो आपको ये महंगी मिलेगी, क्योंकि जो आप हरीश जी समझते हो जिससे अच्छे ब्रीडर निकलते हैं उन बकरियों की रेट अच्छी होती है, क्योंकि वो आपको अगर एक ब्रीडर भी देती है तो अपनी रेट कवर कर देती है। बिल्कुल, तो इनके दूसरे पार्ट में हम ज़रूर इनका जो ब्रीडर है वो कवर करेंगे और उसके बारे में कुछ जानेंगे, जिससे आप भी अपने यहाँ पर ब्रीडर का चयन करते समय कोई भी गलती ना करें। थोड़ा सा दाम अगर ज़्यादा भी लगता है तो उसको ध्यान में रखते हुए ही ब्रीडर का चयन करें, ताकि जो आपसे बाड़े से निकलने वाले जो प्रोडक्ट हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो और भी बेहतर हो सके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।